व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने चैनल विकी की मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं करने वाला हूं रिएक्शन। एक लंगड़ा आम प्रोडक्शन एक चैनल है, उस पर एक वीडियो है, केसरी नाम की वीडियो है। तो उसमें जो उसका नाम है R6 फुद्दू, ठीक है, ये नाम है। तो उस पर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है कि क्यों ऐसा टाइटल रखा गया है, ऐसा क्यों वर्ड यूज़ किया गया है सिख के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं इस वर्ड के, ये मतलब कि लाइंस के बारे में और सिखों के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। केसरी उसका नाम है, R6 फुद्दू मतलब क्या बेवकूफ़ है सरदार क्या, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, उसके बाद करते हैं बातें क्या कहा गया है इसमें सिखों के बारे में, क्या है एक्चुअल इसकी सारी की सारी स्टोरी क्रिएशन, और देखते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। चलो हियर वी गो। थैंक यू। ओह गाइस हियर वी गो। अरे ऐसा कौन सा जोक कर रहे हो तुम? Nothing, dude. You will get offended. Offended as in? It's a sir joke. You need to be a good sport to understand it. I am a sport. Ek signet tumhara hai. Thank you. Okay. Kya joke hai? Mere ko batao. Okay. Here you go. Ek sardar train mein ja raha tha. Sardar. Oh, pape. Main saari raat soya nahi. Friend. Kyon bhai? Kyon nahi soya? Sardar. Yaar, upar wali berth mil gayi thi. To bhai, tune exchange kyon nahi ki? Sardar. यार पूरे रास्ते यही देखता रहा लोअर बर्थ वाला कोई आएगा, बात करूंगा, एक्सचेंज करूंगा, पूरे रास्ते आया ही नहीं। गुड जोक ऑन मी, राइट गाइस, आई हैव वन मोर जोक। कौन सरदार जी? लिसन, व्हाई अ सरदार जी वाज स्टैंडिंग बिलो अ लाइट विद हिज माउथ ओपन, व्हाई? बिकॉज़ हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम दैट टुडेज डिनर शुड बी लाइट। कुछ भी तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी तो सरदार जोक्स आते होंगे, तो तुम इनसे शेयर करते हो? सही से बताना। What do you think? But it would be really idiotic for a sardar to share a jokes on sardar, right? यार तुमने वो कुमार विश्वास की स्पीच सुनी है? क्या बोला उस बंदे ने, सरदार जी और 12 बज गए पे कितने जोक्स मारे। पता है वो बंदा क्या कहता है? संत सरदार की गाय भाग गई। इतनी फनी वीडियो ना सबको देखनी चाहिए, पता है। But you shouldn't worry now, सरदार आर नॉट मोर फुद्दूस, मूवीज तो उनकी इज्जत बचा ही लेगी, राइट? ओह टॉकिंग अबाउट द केसरी, राइट? बट आई पर्सनली फील इट्स गुड टू बी फुद्दू। It's my opinion though, sardars are actually fudu, and it is good for us and for the people also. I think someone is getting offended, right? It's okay bro, be a good sport, joke hi to hai. You know, personally I think sardars are fudu, I do, and I'm saying like I'm not taunting anyone, but I feel the same. So consider example, it's very regular example of our life. मैं कोई भाषण नहीं देने वाला, लेकिन ऐसे एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ सबसे। आपके घर में कितने लोग काम करते हैं, जैसे कंसीडर करते हैं, बहुत छोटे एग्जांपल से। आपके घर में गाड़ी साफ करने वाला आता है, अगर आप उसे कुछ ऊंचा बोल दो, कभी गलत बोल दो, चाहे वो दो दिन छुट्टी मारता हो, वो छोड़ के चले जाएगा आपको। दो यू आर पेइंग द पर्सन। आपके घर में सफाई करने वाला इंसान आता है, अगर आपके घर में कूड़ा उठाने वाला इंसान आता है, उसको जमादार बोल दो, ही कैन सू यू एक्चुअली। इतने राइट्स हैं आपके पास। कोई एम्प्लॉय हो, एनी एम्प्लॉय, आप उसे कुछ बोल दो, the person has the power to leave you and he actually does. Whereas jo sardar hai na, ye hamesha se pagal log, mahafuddu log, are chhodte nahi, they don't leave you, they are always with you. Are duniya lad rahi hai, log kat pit rahe hain, ek dusre ko maar rahe hain, media jaane ko darta hai, fauj mein ghuste ko char baar sochti hai, wahan pagal itna sardar hai, samaan uthate hain langar ka chale jaate hain. Are ghar pe baitho na, kyun ja rahe ho itna dur wahan langar lagane ke liye, wahan ghar pe baitho, beer piyo, tv dekho, chilling life jiyo. लेकिन सरदार तो फुद्दू है एक्चुअली यार। अरे वो पहुंच जाते पागलों की तरह, बड़े पागल हैं यार। वी शुड हैव अ चिलिंग लाइफ हियर, वी शुड बी समथिंग डूइंग समथिंग फन, बट डंगरों को अकल ही नहीं आती क्योंकि ये फुद्दू है।
हमें पता होता ना अगर कि इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी सेवाओं के बाद, निष्काम सेवाओं के बाद हमें अगर व्हाट्सएप पे जोक से मिलने हैं तो हम उसको कब का छोड़ चुके होते। घर के बेटे चले गए, माएँ तरसती रहेगी बेटे कब वापस आएंगे, और वो शहीद हो रहे हैं जाके जंगों में। हमारे घर की औरतों ने चूल्हा चौका छोड़ के तलवारें उठाई थी, कृपाने उठाई थी कि ताकि दूसरों की दबचा पाएं, और हमें बदले में क्या मिलता है? जस्ट लीव इट, टेक अ चिल पिल, बी अ स्पोर्ट। और तुम बात करते हो मूवीज का, अरे मूवीज से तो बहुत इज्जत दी हमें, कह के लेना होता क्या ना वो हमने सीखा है। मूवी का नाम रखा सिंग इज किंग, मतलब फील आ गया कि सिंग इज किंग, सिखों की मूवी आएगी, अब हमारी शहादत की कहानी आएंगी, अब इंसाफ आएगा, लोगों को समझ आएगा भैया ये जो कौम है जो 6 मीटर का सिर पर कपड़ा बांध के चलती है, ये वो कौम ऐसे बनी नहीं है रैंडम, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, दे हैव, दे आर नॉट जस्ट वेयरिंग द पगड़ी, दे हैव अर्नड। मूवी देखने जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक इंसान है उंगली डाल रहा पगड़ी के अंदर, पागल कर नाच रहा, उल्टा बेवजह कभी भी डांस कर रहा, जो बोले सोनी हाल सिखों की बाणी मूवी बना दी, हम बड़े खुश यार, जो बोले सोनिया ये भाई पावर की बात होगी, वहां जाके निहाल सिंह बेहाल सिंह मर रहे हैं। यू टॉक अबाउट सिंह इन द मूवी इंडस्ट्री, इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, दे ऑल आर जस्ट मेकिंग पन ऑफ इट। अरे सरदार थे बेवकूफ थे तो, ये अंग्रेज पागल थे क्या, 21 सरदारों को एक किला रोकने के लिए खड़ा कर दिया बैटल ऑफ सारागढ़ी के लिए, कि वहां जाएंगे और किला संभालेंगे 21 सरदार, ऐसे डफर हैं ये लोग तो, इनको क्यों दे रहे हो किला संभालने के लिए, ये तो फुद्दू लोग हैं। सरदार कैनॉट इवन सी द फैक्टर की नीचे वाली बर्थ खाली है, आई पिन पॉइंट दोस जोक्स विच यू सेंट टू मी, सरदार को नीचे बर्थ नहीं दिखती है, वो वहाँ दूर खड़ा होकर देख रहा है दुश्मन आ रहा है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने वो ट्रेनें लेट लेट के रोकी हैं ताकि हमारे दूसरे लोग भूखे ना जा पाए, और सरदार इतना डफर हो चुका है कि उसको पता लगता है नीचे की बर्थ खाली है कि ऊपर की नहीं। आई एम नॉट एंटी ऑफ एनी यू पीपल, वी हैव बीन डूइंग दिस एंड शैल बी डूइंग इन फ्यूचर एवरी टाइम, क्योंकि हम हैं फुद्दू, हमें समझ आता है कि दूसरे की हेल्प करो, चाहे वो कितना मर्जी तुम्हें बुरा बोल ले, तुम्हारा जितना मर्जी मजाक बनाए, उसको करने दो ना यार, कीप ऑन डूइंग इट, वी लव इट, क्योंकि हम हैं फुद्दू, हमें मजा आता है, पागलपना है हमारा फुद्दू कटवाना है, हमें शौक है इसका। आप हमें फुद्दू बोलते रहो क्योंकि हमें इतना पता है कि हमारा ये काम, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म हमें ये सिखाता है। अरे गुरुओं ने शहीदियां दे दी यार, तुम छोटा सा बिजली का करंट लग के रो पड़ते हो, तवे पे हाथ लगाते हो, जल जाते हो, चिल्ला पड़ते हो, मम्मी हाथ पकड़ लो, रोना आ गया मुझे, सब करते हो, वहाँ गुरु कटवाए गए यार, सर धड़ से अलग करवा लिए। किसके लिए करवाए थे? काश उन्हें पता था व्हाट्सएप पे कल को हमारे पे जोक आएगा, देर वाज सरदार ही वाज सो डम, ही वाज वो लाइट खाने के लिए लाइट खाने लग गया जाके। अरे नाइस, एकदम फनी, इतने डफर कौन से आए हम लोग। आपको इन्फॉर्मेशन जस्ट एक बात बता दूं मैं, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया और पंजाब पे राज सिर्फ 100 साल हुआ, पूरा देश गुलाम था, हम पंजाब के लोग एकदम रैंडम फ्री जिंदगी जी रहे थे महाराजा रणजीत सिंह अंडर, 100 साल तक अंग्रेज हमारे पर राज नहीं कर पाए। इस बहादुर की कहानियां थी हमारी, और मिलता क्या हमें? सरदार फुद्दू। यस वी आर, ये 6 मीटर का सिर पे मेरा कपड़ा देख रहे हैं ना आप, ये कपड़ा पगड़ी नहीं है सिर्फ, ये कफन है कि जहां मेरे भाई बहन पे किसी पे कोई आंच आई तो जान दे दूंगा, वो इंसान तंग करके धड़क कर दूंगा सर से मैं। दिस इज द काइंड ऑफ पीपल वी आर। और जो आपके हैं ना कुमार विश्वास साहब, जो बड़ा खुल के बोलते हैं सरदारों के 12 बज के एंड ऑल दीज फैक्टर्स, उनको मैं उन्हीं के स्टाइल में जवाब देता हूँ, और बहुत सही जवाब है मेरे पास। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, बड़ा ही जोर जज्बा है तभी शरेआम करता हूँ, अगर 12 बजे न सिख करते माताओं की रक्षा तो बाप कोई मुगल होता तेरा, मैं इस बात से डरता हूँ, बाप मुगल होता तेरा, मैं इस बात से डरता हूँ। हेलो गाइस, हम इस वीडियो से ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ सिख कम्युनिटी को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम सारी कम्युनिटी में बिलीव करते हैं, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड जोक्स सिर्फ हमें हेट प्रमोट करने में मजबूर करती है, और हम ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि सारे रिलीजन्स एक साथ रहे, यूनाइट होके रहे, और कभी हेट ना फैलने दें। This is not particular for one religion, one joke, joke about any particular religion. It is about कि हम किसी भी community के बारे में कुछ ना कभी ऐसे forward करें. We should not divide the country on the basis of caste, creed, color, sex. कुछ भी मत करो ऐसा. It is a very simple game of dividing us. We should not do it. Moreover, I thank all my friends who had played part in this video. Though it was a negative part. Phone आ रहा है हमें. It was a negative part. But
Anyhow, they played it just like कभी-कभी आपको खुद अपने आप को गंदा करना पड़ता है. This is what they did. They all helped in it. And I love all of them for this. This is Langna family. Moreover, so guys, do share Langna Naam. Please subscribe, like this video, and do follow us on Instagram. The Langna Naam. Langna _ Naam is the Instagram. हमने कोई याद कराया था डायलॉग ये वाला. Guys, do follow us on Instagram. Langna _ Naam. And then after this video को share करो if you find it relevant, if you find any fault in it, we'll fix it. Write the comments and do watch Kesari movie. इसके लिए रोका हुआ था इसको. Thank you guys, thank you so much. चलो दोस्तों मैं आपको एक example देता हूँ. June के time पे आपने अक्सर देखा होगा. पंजाब में तो होता ही है. आप out of पंजाब अगर जाते हो all over the India, all over the world, तो आपको maximum आपको road पे पूरी गर्मी होती है, peak की गर्मी होती है. इंडिया में उस समय पीक की गर्मी में आपको रोड के साइड पे ना सरदार नज़र आते होंगे, मतलब बल्क में होते हैं, भीड़ होती है उनकी. तो वो क्यों होती है? वो इसलिए भीड़ होती है कि वो राहगीर जो जा रहे होते हैं ना उनको पानी पिला सकें. पानी सेवा, नॉट ओवन पानी, मीठा पानी होता है, साथ में चने छोले की सेवा होती है. तो वो गुरपर्व मना रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, लंगर बांट रहे होते हैं. क्यों? पागल है क्या वो? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग जा रहे हैं ना उनको सेवा मिले, प्यासे ना रहे, गर्मी ना लगे उनको, केयर करते हैं वो लोगों की. उसके बावजूद क्या मिलता है? चलो छोड़ो ये सब बातें. मैन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिक्स, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एवरी रिलीजन. अब हरियाणा के लोग हैं, उन्हें क्या बोलते हैं कि मोटी भैंसों वाली बुद्धि. मैक्सिमम सुना होगा आपने ये चीज़ें, मोटी भैंसों वाली बुद्धि. बॉर्डर पे आप देखो हरियाणवी नज़र आते हैं, सिख नज़र आते हैं, हिमाचली नज़र आते हैं, ऑल ओवर दी इंडिया के लोग नज़र आते हैं, शहादतें देते हैं, ऐसे दे देते हैं. पागल हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, माइंड दिया गया है. किसी को हमें, किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को हमें उल्टा नहीं बोलना चाहिए कभी भी. तो यही था ओवरऑल. मैं भाषण देने लग जाता हूँ, बोलने लग गया था. दोस्तों मेरे को ये रिएक्शन बहुत पसंद है. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करते. मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ. बाय, टेक केयर.